आज मैं आपके लिए लाई हूँ कच्चे आम की बनी हुई ये खट्टी मीठी मजेदार सी चटनी की रेसिपी, जिसे आज से पहले आपने कभी नहीं खाया होगा। तो चलिए आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो खट्टी मीठी सी चटनी बनाने के लिए यहाँ पर हम लेंगे कच्चे आम। तो यहाँ पर मैंने 3 आम लिए हैं, इसको हम ढक करके उबाल लेंगे। तो बस हमें इसे मीडियम फ्लेम पर उबाल लेना है। तो 10 से 15 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से उबल जाएंगे। तो इस तरीके से चक्कू डाल करके आप देख लें, तो देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट उबल चुके हैं। अब हमें क्या करना है ना, इसका जो है बाहर का छिलका आपको निकाल लेना है, और इसका जो पल्प है और जो गुठली है इसको एक साइड निकाल लेना है। तो बस छिलके आपको अलग कर लेने हैं। तो देखिए इस तरीके से हम इस बाउल में डाल लेंगे। तो मेन काम हमें इसका पल्प का है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज और साथ में 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। तो मैंने इनको एक ही साथ चॉप कर लिया है। तो यहाँ पर हम डालेंगे इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो 1 टेबलस्पून नमक लिया है, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, साथ के साथ 2 बड़े चम्मच चीनी ली है। तो हल्का सा पानी डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो आपको क्या करना है ना, इसको मिक्स करते टाइम आपको ये करना है कि जो इसका पल्प है उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से निकाल लेना है। तो धनिया पत्ती भी डाल देंगे और इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। और इस चटनी को आप खा कर देखिए, आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो बस आपको क्या करना है ना, इसको ठंडा कर लेना है और ठंडा करके आप इसको खाइए। क्योंकि गर्मियों के मौसम में क्या होता है ना, खाना खाने का कम दिल करता है, बट आप इसके टेस्ट से जो है खाना भी एकदम परफेक्ट खा पाएंगे और आपको टेस्ट भी बढ़िया आएगा।